एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कसमों, वादों और पैसों की जरूरत नहीं है, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो भरोसा कर सके और दूसरा जो उसे समझ सके। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितनी बदनसीब हूं, हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तब दौलत ने दर्द से कहा, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद तो रखते हैं, बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। आपकी खुशी में आपके साथ वो होगा जिसे आप अपना मानते हो, पर आपके गम में सिर्फ वही आपके साथ होगा जो आपको अपना मानता हो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश दूर हो जाए। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने सोने से कहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन जब अल्फाज काटते हैं तब दर्द बहुत होता है, और कभी कभी जख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर जख्म नहीं भरते। अगर लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो उनका बुरा मत मानना, बल्कि खुश हो जाना, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जिंदगी में तीन तरह के लोगों को कभी मत भूलना। पहले, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो। दूसरे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दिया हो। और तीसरे, जिन्होंने आपको मुश्किल में डाला हो। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो अपना अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं पर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या कमी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत होइए। बस एक बात याद रखिए, बिच्छू की फितरत हमेशा डंग मारना होता है। कई लोग बहुत समझाने के बावजूद नहीं समझते, तो आप परेशान मत होइए। आप भैंस को कितना भी नहला दो, कुछ देर बाद उसने बैठना कीचड़ में ही है। लोग कहते हैं दुनिया में बहुत गंदगी है, अब जीना मुश्किल है, लेकिन हम कहते हैं एक बार कवल के फूल को देखाओ, सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। किसी के कुछ कहने या करने से आपको बहुत गुस्सा आ जाता है तो आपको बर्दाश्त रखना होगा। इसका मतलब है आपका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया है। अगर आप किसी को कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो सिर्फ एक काम करें, मेहरबानी करें और सब्र करें। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होता है, जिसमें 1% पानी और 99% एहसास होता है।
एक जोकर ने लोगों को लतीफा सुनाया। सब बहुत हंसे। उसने वही लतीफा दोबारा सुनाया तो कम लोग हंसे। उसने वही लतीफा तीसरी बार सुनाया तो कोई नहीं हंसा। फिर उसने एक बहुत प्यारी सी बात कही, अगर आप लोग एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक गम को लेकर बार बार रोते क्यों हो। दिन भर काम करने के बाद बेटा पूछता है, क्या लाए हो? बीवी पूछती है, कितना बचाया? पापा पूछते हैं, कितना कमाया? लेकिन एक माँ ही है जो पूछती है, बेटा कुछ खाया? जिंदगी में आपसे कौन मिलेगा ये वक्त तय करेगा। जिंदगी में आप किससे प्यार करते हैं ये आपका दिल तय करता है। जिंदगी में कौन आपसे जुड़ा रहेगा ये आपका मिजाज तय करता है। जब से मुझे ये यकीन हो गया कि खुदा मेरे साथ है, मैंने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है।